तो चलिए रुक करते हैं धौलपुर की कुछ खास खबर की ओर, जहां आपको बता दें कि आगामी 3 सितंबर 2023 को जयपुर शहर के अंदर ब्राह्मण महासंगम का आयोजन होने वाला है। इसी के तत्वावधान में आपको बता दें कि राजस्थान सर्व ब्राह्मण महासभा के अध्यक्ष पंडित सुरेश मिश्रा के धौलपुर पहुंचने पर उनका स्वागत और अभिनंदन किया गया। साथ ही ब्राह्मण महासंगम के अंदर पहुंचने के लिए, जयपुर पहुंचने के लिए काफी संख्या का आह्वान भी किया गया। सर्व ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित सुरेश मिश्रा परशुराम सेवा सदन धौलपुर पहुंचे। धौलपुर पहुंचने पर सर्व ब्राह्मण महासभा धौलपुर द्वारा पंडित सुरेश मिश्रा उनके साथ सर्व ब्राह्मण महासभा भरतपुर के जिलाध्यक्ष राजचंद शर्मा का भव्य स्वागत किया गया। इस अवसर पर एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष प्रिंस हुंडावल साथ ही उनकी टीम के साथ में 3 सितंबर 2023 को जयपुर में होने वाले ब्राह्मण महासंगम को लेकर धौलपुर के ब्राह्मण महासमाज में अधिक से अधिक संख्या में जयपुर पहुँचने का आह्वान किया। जयपुर में ब्राह्मण महासंगम का आयोजन किया जा रहा है। सर्व ब्राह्मण महासभा पिछले लंबे समय से 14% आरक्षण की मांग कर रही थी और उनका सबसे बड़ा उद्देश्य ये था कि राजस्थान में EWS का आरक्षण 14% होना चाहिए, लेकिन हुआ फैसला 10% का। एक लंबा संघर्ष के बाद में नतीजा कुछ निकला नहीं। इस बात को लेकर के आगामी 3 सितंबर को जयपुर में ब्राह्मण महासंगम का आयोजन किया जा रहा है। राज्य जयपुर में सभी समाजों के विश्वविद्यालय बने हुए हैं। जयपुर में भगवान परशुराम जी का विश्वविद्यालय की स्थापना हो, ये हम राजस्थान की सरकार से मांग करते हैं। राजस्थान की सरकार से मांग करते हैं कि भगवान परशुराम जी विश्वविद्यालय की स्थापना हो। साथ ही हमारी मांग ये भी है कि राजस्थान के सभी जिला हेडक्वार्टर के ऊपर गुरुकुल की स्थापना हो, ब्राह्मण छात्रावास की स्थापना हो। EWS आरक्षण में बहुत सारी विसंगतियाँ हैं और विशेषकर मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि EWS आरक्षण में जिस प्रकार से सरपंच का, पंच का, प्रधान का, पंचायत समिति सदस्य का, सबका आरक्षण SC ST और OBC में है,